हेलो पीपल, वेलकम ऑन डीएमए। आज हम बात करने वाले हैं मैकबेरी एलएस सिरप के बारे में। क्या इसका यूज है, क्या इसके यूज से कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं, इसका डोज क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही नई वीडियो की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैकबेरी एलएस सिरप के अंदर लेवसालबुटामोल 1 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, ग्वेफेसिंस 50 mg मेंथोल फ्लेवर का कंपोजिशन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैकलर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी करती है। इसकी एक बोतल के 100 ml सिरप आती हैं, जिसकी प्राइस 99.75 rupees है और ये एक शुगर फ्री कप सिरप है। मैकबेरी एलएस एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, जिसका यूज बलगम वाली खांसी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ये नाक और सांस नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये सिरप नाक बहने, चीखने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत दिलाती है। इसके इस्तेमाल करने से आपको सांस लेने में भी आसानी होती है। इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं, लाइक डायरिया, पेट में दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, स्किन रैशेज और हार्टबीट बढ़ना भी इसका एक साइड इफेक्ट है। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्रेग्नेंट या किडनी में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली इसका यूज नहीं करें। इसका डोज 2 से लेकर 5 साल तक के लिए 2.5 ml दिन में 2 या 3 बार, 6 साल से लेकर 11 साल तक के लिए 5 ml दिन में 2 या 3 बार, अगर 12 साल हैं या 12 साल से ऊपर हैं तो 5 ml से लेकर 10 ml दिन में 2 या 3 बार। वैसे इसका डोज डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। वैसे कोई मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी और मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।